दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डिटेक्टिव नाइट रॉक की, जो कि ब्रूस विलिस की एक काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में टेक्सास शहर में कुछ चोरों की टीम आगे बढ़ती है और उनका लीडर कैसे होता है, और फिर एक जगह पर वो लोग एक बैंक के पास मनी ट्रक को लूट लेते हैं और दूसरी तरफ से पुलिस के आने की आवाज आने पर वो लोग वहां से भागते हैं और वो लोग पार्किंग में एक दूसरी कार के पास आते हैं। और तब तक ऊपर ऑफिसर जेम्स नाइट अपने साथी के साथ आकर उन चोरों पर गोलियां चलाते हैं और उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और वो सैम को गोली मार देता है और वो चोर वहां से गाड़ी में निकल जाते हैं, जिसमें जेम्स सैम के लिए दुखी होता है और वो उसे बचाने में लग जाता है। और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ वक्त के बाद कैसे अपने चोरों की टीम को लेकर एक प्लेन में वहां से लंदन जाने निकलता है, जिसमें उसके साथी माइक नाराज होता है क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए एक जन पर गोली चला दी थी। और वहां मिया नाम की एक लड़की बताती है कि उन्होंने $5,00,000 चुराए हैं। और फिर उनका चौथा साथी जैक इस चीज से नाराज नहीं होता और उसी ने सैम को मारा था, और तब कैसे आगे से वो लोग किसी को भी मारेंगे नहीं ये बोलता है, और तब जैक अपनी जान खतरे में आने पर वो कुछ भी कर सकता है ये बताता है, और वहां कैसे को उसकी बातें पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ सैम को हॉस्पिटल में देखकर जेम्स काफी दुखी होता है। और फिर सभी चोर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो लोग पैसे बांट चुके होते हैं, जिसमें कैसे जैक के साथ आगे काम नहीं करना चाहता ये बोलता है, और तब माइक भी हाँ बोलता है। दूसरी तरफ जेम्स अपने पुराने दोस्त एरिक से मिलता है और वहां एरिक जेम्स को उन चोरों के बारे में बताता है, जिसमें उनकी गोलियों से पता चलता है कि वो लोग लंदन से हैं और उन्हें काफी ट्रेन वहां पर किया गया है, जिसमें वो लोग अलग अलग देशों में जाकर चोरियां करके वापस चले जाते हैं। और उनका बॉस विना है, जो कि ऐसे एथलीट्स के पास यही काम करवाता है। और तब जेम्स विना को जानता है ये बताता है, और फिर वो सैम से बदला लेने के लिए सभी को जेल भिजवा कर रहेगा ये बताकर वो एरिक के साथ वहां से निकलता है। दूसरी तरफ लंदन में कैसे अपनी बेटी कैट और अपनी पत्नी जैन के साथ बातें करता है, जिसमें वो तीनों काफी खुश होते हैं। और वहां जैन को कैसे के काम के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उसे ये पता होता है कि कैसे ड्रग्स लेता है और इस चीज से वो भटकी हुई होती है, और तब कैसे उसे शांत करवाता है और वो अपने परिवार के लिए जो भी कर सकता है वो करेगा ये बताता है, लेकिन जैन उससे खास खुश नहीं होती। और तब कैसे वहां से अपने काम को खत्म करने के लिए जा रहा है ये बताकर निकलता है, और फिर कैसे वहां से वीना के घर पर आता है, जिसमें वीना का गार्ड कैसे को रोकता है, और तब कैसे उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है, जिसमें कैसे आकर वीना से मिलता है और वो उसके दिए हुए काम के पैसों से आधे पैसे वीना को दे देता है, जिसमें वीना उन्हें रखवाता है। और वहां वीना बताता है कि उसे एक नया काम मिला है, और तब कैसे अपनी टीम के साथ तैयार होता है, जिसमें वीना उसे उन लोगों को इस बार एक एथलीट के स्पोर्ट्स कार्ड को चुराना है ये बताता है। और तब कैसे को वो कार्ड काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है और वो ऑक्शन में बिकने वाला है ये वीना बताता है, और तब कैसे इस काम के लिए तैयार है ये बोलकर निकल जाता है। और फिर कैसे एक क्लब में आकर माइक और मिया से इस बारे में बात करता है, जिसमें वो उन्हें चुराने वाले कार्ड का सैंपल दिखाता है जिसे उन्हें एक ऑक्शन के दौरान चुराना होता है, और वो कार्ड काफी महंगा है ये सुनकर तीनों हंसते हैं, और इस काम के बदले में उन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे ये वो बोलता है, और तब उन्हें प्लान चाहिए होगा ये मिया और माइक बताते हैं, और वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लंदन में जेम्स और एरिक आगे बढ़कर वीना के घर पर पहुंचते हैं, जिसमें वीना और जेम्स एक ही शहर में बड़े हुए होते हैं, और वहां जेम्स को वीना से बात करनी है ये वो बताता है,
और तब वीना जेम्स को उसके लॉयर से बात करने कहता है और तब एरिक बताता है कि उसका एक चोरी में टेक्सास में हाथ है और तब वीना बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर वो दोनों को वहाँ से निकलने कहता है और तब दोनों बाहर आते हैं जिसमें एरिक जेम्स को वीना के गार्ड से बात करने कहता है और तब जेम्स आकर उस गार्ड को धमकाता है और वहाँ वो गार्ड कैसे के दुश्मनी की वजह से उसका नाम बता देता है और तब जेम्स वहाँ पर खुश होता है। दूसरी तरफ शहर में कैसे गन्स और ड्रग्स लेने के लिए फिर से जैक से मिलता है और वहीं पर जेम्स और एरिक आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और तब कैसे क्या हुआ ये पूछता है और तब जेम्स उन दोनों को साथ में आने कहता है क्योंकि उनके पास काफी सारे पैसे होते हैं और तब कैसे जेम्स को उन पैसों के बारे में क्या जानना है ये पूछता है और तब जेम्स उन्हें चोरी के बारे में बताता है और वहाँ कैसे क्या उनके पास कोई सबूत है इस बारे में बात करने कहता है और तब जेम्स और एरिक बहुत ही जल्दी सबूत लाएंगे ये बताते हैं और तब कैसे और जैक वहाँ से निकल जाते हैं और फिर रात को कैसे मिया और माइक से मिलता है और वो उसके पीछे आने वाले ऑफिसर्स के बारे में बताता है जिसमें मिया ने उनकी जानकारी निकाल ली होती है और वो लोग उसके रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ते ये मिया बताती है और फिर वो लोग ऑक्शन में चोरी करके भागने में सबकी स्पीड देखते हैं जिसमें माइक और कैसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर भागते हैं लेकिन फिर भी वो लोग स्लो होते हैं और फिर वहां पर मिया भागती है जिसमें वो काफी तेज होती है और तब मिया ही वो कार्ड को चुरा कर भागेगी ये वो डिसाइड करते हैं। अगले दिन ऑक्शन में वीना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और दूसरी तरफ से माइक और कैसे भी वहां पर घुसते हैं और फिर वीना को चेक करके अंदर लिया जाता है जिसमें मिया भी अंदर एक पीछे के रास्ते से घुसती है और फिर कैसे वहां से आगे बढ़ता है और वो कैमरा रूम में जाकर कंट्रोल ले लेता है और फिर ऑक्शन में कार्ड को लाकर उसकी नीलामी की जाती है जिसमें वो 4 मिलियन में बेचा जाता है और वहाँ ऊपर मिया आ चुकी होती है जिसमें कैमरा रूम से कैसे लाइट बंद कर देता है और लाइट के जाने पर मिया नीचे आती है और वो कार्ड लेकर वहाँ से भागती है और उसे अंधेरे में वीना को देखकर वहाँ से निकल जाती है जिसमें मिया के पीछे गार्ड्स पड़ते हैं जिसमें वो फंस जाती है और वहाँ ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर ऑफिसर्स मिया को वहाँ से लेकर जाते हैं और तब तक कैसे भी माइक से मिलता है और दोनों पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं जिसमें वो लोग पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एरिक और जेम्स घटनास्थल पर आते हैं और वहाँ एरिक बताता है कि वहाँ से एक ऑक्शन का कार्ड चोरी हुआ है लेकिन चोरी करने वाली लड़की के पास वो कार्ड नहीं है और ना ही वो कुछ बता रही है और वहीं पर वीना आकर दोनों से मिलता है और तब दोनों को उसी पर शक होता है और फिर एरिक आगे जाता है और तब वीना जेम्स के बैच को देखकर उसकी तारीफ करता है और वो उसे बताता है कि उसका एक आदमी सैम के पास हॉस्पिटल में है और अगर जेम्स ने उसे बाहर निकलने में मदद नहीं की तो वो उसे मरवा देगा और तब जेम्स वहां से वीना को उन सभी ऑफिसर से बीच में लेकर निकलता है और फिर वीना अपनी टीम के साथ लिफ्ट से निकल जाता है और तब एरिक जेम्स पर इस चीज के लिए भड़क कर वहां से निकलता है और फिर अपने बेस पर पहुंचकर कैसे और माइक अब दुखी होते हैं और दोनों को अब मिया को पुलिस से बचाना होता है और तब कैसे बताता है कि वीना सभी ऑफिसर्स को खरीद लेगा और वो उसे आजाद करवा देगा और फिर कैसे वीना को फोन लगाता है और वहाँ वीना बताता है कि उसने कार्ड चुरा लिया है लेकिन वो निकलने के लिए उसने उसे जेम्स के बैज में छुपा दिया है जिसमें वो मिया को भूलकर उन दोनों के पास बुलाता है और तब कैसे उसे हाँ बोलकर काफ़ी भड़क जाता है और वहीं पर बाहर गोलीबारी शुरू होती है और तब कैसे बाहर आता है जिसमें माइक पर काफ़ी सारे गुंडे गोलियाँ चला रहे होते हैं और तब कैसे उन्हें मारने लगता है और फिर वो अकेला आगे बढ़कर गुंडों को मारता है जिसमें उन गुंडों को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो वीना के लोग हैं और तब बाहर गुंडों को मारते वक्त माइक एक धमाका करवाता है जिसमें कैसे उसके पास आता है और वहाँ माइक के मरने से वो काफ़ी दुखी होता है जिसमें वो सारे आदमी वीना के है और वो माइक की मौत का बदला ज़रूर लेगा ये बोलता है और फिर कैसे वहाँ से आगे बढ़ता है और अब माइक और मिया उसे काफ़ी याद आते हैं
और फिर वो वहाँ से जैक को फ़ोन लगाता है और वो उसे मिलने बुलाता है। अगले दिन जैक आकर कैसे से मिलता है और तब कैसे बताता है कि वीना ने उसे धोखा दिया है, और तब जैक उसे क्या चाहिए ये पूछता है, और तब कैसे को वीना को मारना होता है, और तब जैक हंसता है। और वहाँ कैसे जैक की हुई उसकी मदद मियाँ के जेल के जाने के बारे में, साथ ही माइक के मरने के बारे में बताता है, और तब जैक कैसे की मदद के लिए तैयार होता है, जिसमें उसके पास एक प्लान भी होता है। लेकिन पहले उन्हें वो स्पोर्ट्स कार्स डिटेक्टिव जेम्स से चाहिए होगा, ये कैसे बताता है। दो दिन के बाद हैलोवीन होता है, जिसमें कैसे एक स्टोर में आकर वुल्फ के मास्क को देखता है, और फिर जैक एक जगह पर वुल्फ का मास्क पहनकर बैंक की तरफ जाता है, और वो बैंक में घुसकर वहां पर गोलियां चलाता है और पैसे भरने कहता है, और फिर वो वहां पर सभी लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को फोन लगाने कहता है। कुछ वक्त के बाद वहां पर ऑफिसर्स आते हैं, और तब जैक बाहर आकर उन पर गोलियां चलाता है, जिसमें वो ऑफिसर्स का काफी वक्त बर्बाद करता है, और फिर एरिक भी वहां पर आता है, और तब जैक आगे बढ़ता है और वो सबके सामने आता है, और तब ऑफिसर्स उसे घायल कर देते हैं, और वहाँ एरिक जैक के पास आता है और वो कैसे के बारे में पूछता है, और तब जैक हंसता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स बैंक के पास होने से कैसे पुलिस स्टेशन में काफ़ी आसानी से घुसता है, और वो जेम्स के बैच को लेने के लिए उसके कैबिन की तरफ जाता है, और वहीं पर उसे जेम्स मिलता है, और उसे पता था कि उसके बैच में स्पोर्ट्स कार्ड है, ये वो बताता है। और फिर जेम्स कैसे को उसकी गाड़ी की डिक्की में डालकर वहाँ से आगे बढ़ता है, और रास्ते में कैसे काफ़ी दुखी होता है, और उसे लगता है कि जेम्स उसे मार देगा, और वो वीना के उन्हें फंसाने के बारे में, साथ ही वो उसके परिवार से काफ़ी प्यार करता है, ये वो बताता है। जिसमें जेम्स कैसे को वीना के घर के बाहर निकालता है, और तब कैसे उससे गन मांगता है, और तब जेम्स वहाँ से भाग जाता है, और वो लोग पीछे के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जिसमें जेम्स बाहर के सभी गार्ड्स को मारते मारते आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कैसे मेन डोर पर आकर कार्ड दिखाता है और वो उसे अंदर लेने कहता है, और तब वीना अपने गार्ड को भेजता है, और फिर गार्ड कैसे के पास आता है, और उसके डोर खुलते ही कैसे उससे लड़ने लगता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, और वहाँ वीना भी गन लेकर उन पर निशाना लगा रहा होता है, जिसमें उसके सामने जेम्स आकर वीना को मार देता है, और तब तक वीना का गार्ड कैसे को मारने वाला होता है, और उसे भी जेम्स आकर मार देता है, और फिर वो कैसे को वहाँ से निकलने कहता है, और तब कैसे वहाँ से भागता है, और फिर वो बंगले के पीछे के रास्ते से वहाँ से निकलता है, जिसमें उस जगह पर ऑफिसर्स आते हैं और जेम्स उनके सामने आता है, और तब एरिक जेम्स को कैदी बना लेता है, और फिर जेन और कैट शहर में ट्रिक और ट्रीट ले रहे होते हैं, और वहाँ उन्हें काफ़ी मज़ा आता है, जिसमें कैसे उनके सामने आकर खुश होता है, और वहीं पर कैसे को ऑफिसर्स आकर पकड़ लेते हैं, जिसमें कैट और जेन भी इस चीज़ से दुखी होते हैं, और वहाँ से कैसे को भी जेल लेकर जाया जाता है। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर ख़त्म होती है, जिसमें सेकंड पार्ट हमें दिसंबर में देखने मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।